हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक गोभी की सब्जी बनाना लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप टिफिन में भी कैरी कर सकती हैं, घर पे बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच एंड डिनर किसी में भी, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी गोभी दो प्याजा, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए ये फूल गोभी, ये एक छोटी फूल गोभी है फ्रेंड्स। इसे मैंने छांट लिया, अच्छे से साफ करके काट लिया और उसे धो के रखा है इसमें। और ये प्याज है, इसके आपको ऐसे बड़े बड़े क्यूब्स काटने हैं और उसे खोल लेने हैं, ठीक है। हाथ से प्रेस करेंगे तो वो खुल जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट है, धनिया की पत्ती है, और हमें चाहिए थोड़ा सा टोमेटो अदरक का पेस्ट, ठीक है। ये मैंने एक मीडियम टोमेटो लिया है, उसमें थोड़े से अदरक डाल के पेस्ट बना लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कढ़ाई चलाएंगे और उसमें डालेंगे तेल। बहुत ही झटपट से मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये तेल गरम होते ही फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे ये गोभी के पीसेस। इसे हिलाते रहिए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए हल्का सा, तो तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। जरा सा नमक डालेंगे इसमें चुटकी भर फ्रेंड्स। हल्का सा ब्राउन हो तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तेल जरा सा बेसी लेना है फ्रेंड्स, और अगर आपको लो कैलोरीज बना रहे हैं, आपको तेल नहीं चाहिए, तो आप इसे बॉईल करके हल्का सा ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं। बॉईल करेंगे तो ऑयल की रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाएगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का ब्राउन होने लगा, हम इसमें ये कटे हुए प्याज के टुकड़े भी डाल देंगे। ये मैंने दो मीडियम प्याज लिया है और एक मीडियम गोभी, रेशियो आप इधर उधर कर सकते हैं। फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है आपको। और इसे थोड़ी देर और सॉटे करेंगे हम। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ब्राउनिश हो गए हैं, प्याज भी थोड़े से सॉटे हो गए हैं और ये गोभी भी। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कढ़ाई में ऑयल, आप सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं, तिल का तेल कुछ भी, जो भी आप पसंद करते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, जीरा, हल्का सा हींग, अब इसमें डालेंगे ये टमेटो का जो मैंने पेस्ट बनाया है। अब इसमें डालेंगे नमक मसाले जो भी है, नमक, हल्दी, धनिया का पाउडर, और डालूंगी मैं थोड़ा सा गुड़ का पाउडर फ्रेंड्स। आप शुगर फ्री भी डाल सकते हैं, मैं गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ। एक चम्मच डाला था मैंने, आधा, 1.5 टीस्पून। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इलायची पाउडर है, ये भी थोड़ा सा डालेंगे।
इसे 4-5 मिनट अच्छे से सॉटे कीजिए हाई फ्लेम पर। देखिए फ्रेंड्स, साइड्स में ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने, ठीक है। अब ये मसाला सिक चुका है, अब हम इसमें क्या करेंगे, चुटकी भर ये कसूरी मेथी डालेंगे। अब इसमें ये जो हमने सॉटे करके रखा था गोभी एंड अनियंस क्यूब्स जो था उसे डाल देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा नमक और डालूंगी, नमक क्योंकि मैंने थोड़ा सा कम डाला था। इसे मिक्स कीजिए, जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे हम, और इसे कवर करके 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि थोड़ा सी गोभी ना थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाए गोभी, और ये मसाले इसके अंदर अच्छे से जाए, ठीक है। पानी थोड़ा सा हमें डालना पड़ेगा। आधी कटोरी के करीब पानी डाल दीजिए फ्रेंड्स, मसाले नहीं तो जल जाएंगे अगर हम सूखा ही पका देंगे इसे तो, ठीक है। देखिए इतना पानी मैंने डाल दिया, अब इसे कवर कर देती हूँ और पकाऊंगी 5-7 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स 5-7 मिनट हो गए, मैंने कवर देके लिड हटाया, ऑलमोस्ट हो गया है। ग्रेवी आपको जैसी पसंद हो तो आप थोड़ा सा रख सकते हैं, या पानी भी डाल के और ग्रेवी कर सकते हैं, और सूखा पसंद है तो आप इसे थोड़ा और सॉटे कर लीजिए तेज आंच पे, तो ये ड्राई हो जाएगा अगर आप इफ यू वांट टू कैरी इट इन योर टिफिन बॉक्स लंच बॉक्स, तो वैसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। बट मैं ये डिनर के लिए बनाई हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा ग्रेवी रखना पड़ेगा, और ग्रेवी के संग वो मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये डन है, अब इसे मैं निकालती हूँ, सर्व करती हूँ फ्रेंड्स। एक और इसके ऊपर और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स मुझे डालने हैं, बताती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सर्व किया है, अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ये किसा हुआ नारियल, ठीक है। ये कोकोनट है, फ्रेश कोकोनट, और डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, ठीक है। एंजॉय कीजिए, ये बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी है, फ्लेवर से भरपूर है। देखते रहिए, थैंक यू सो मच, प्लीज डू सब्सक्राइब, बाय बाय, चाचा।